सबसे पहले बात कोरोना की, जिससे इस वक्त पूरा देश जंग लड़ रहा है। देश में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 344,949 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इस दौरान महामारी ने 2,620 लोगों की जान भी ले ली। इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या भी 25 लाख के पार चली गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 773 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत हुई है। एक दिन में राजधानी में महामारी से 348 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,331 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट में थोड़ा सुधार हुआ है और ये 32% पर रहा। इस वक्त यहाँ 92,000 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संकट और गहरा गया है। 24 घंटे में राज्य में महामारी ने 773 लोगों की जान ले ली, जबकि एक दिन में 66,836 पॉजिटिव केस सामने आए। राहत की बात सिर्फ ये रही कि काफी समय बाद राज्य में केस से ज्यादा 74,045 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में इस वक्त 6.92 लाख एक्टिव केस हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 37,238 नए केस सामने आए हैं। राज्य में महामारी से एक दिन में 196 लोगों की मौत हो गई। केवल राजधानी लखनऊ में ही 5,682 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यूपी में कुल संक्रमण के मामले 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं और कुल मौत का आंकड़ा 10,773 हो गया है। भारत में मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी देखते हुए रूस ने मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति की पेशकश की है। अगले 15 दिनों में रूस से इसका आयात भी शुरू किया जा सकता है। रूस ने कहा है कि वो हर सप्ताह 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कर सकता है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाकर 90 लाख इंजेक्शन प्रति महीने हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावलिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले हर महीने रेमडेसिविर का 40 लाख इंजेक्शन ही बन पाता था। बाजार में इस इंजेक्शन की किल्लत है और आए दिन इसकी कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा स्थिति को देखते हुए गरीबों को अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके तहत गरीबों को हर महीने 5-5 किलो अनाज दिए जाएंगे। इस पर सरकार का 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा और इससे करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। पिछले साल भी महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए थे। रक्षा मंत्री के आदेश के बाद लखनऊ में बन रहा डीआरडीओ का कोविड अस्पताल 70% बन चुका है। दिल्ली के बाद डीआरडीओ ने लखनऊ में मिशन मोड पर कोविड केयर अस्पताल का निर्माण करना सोमवार से शुरू किया था। आने वाले कुछ ही दिनों में इस अस्पताल को राज्य सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। इस कोविड अस्पताल में इमरजेंसी ओपीडी, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स भी होंगे। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक 11 से 15 मई के बीच आ सकता है। कानपुर और हैदराबाद आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपनी गणितीय मॉडल के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 से 35 लाख तक पहुंच सकती है और इसके बाद मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।